तो देख रहे हैं जो लोग बार बार ये बोलते हैं कि हमें एक न्यू लैपटॉप लेना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मेरा न्यू लैपटॉप है HP Pavilion जो कि 14 इंच का है, उसको मैंने 2 साल पहले ही परचेज किया था और अभी हाल देख रहे हैं कि इसको हम ओपन करवा के इसमें काम करवा रहे हैं। इसमें खराबी क्या आया है कि इसका सिस्टम प्रेस हो गया है, तो कभी फैन नहीं चलता है, तो कभी इसका SSD में प्रॉब्लम आता है, तो मतलब ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों का माइंड में ये चलता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें क्या न्यू लैपटॉप लेना चाहिए, सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाहिए, तो कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्या न्यू सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने के बाद वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ऑब्वियसली काम करता है, सेकेंड हैंड लैपटॉप भी लीजिए, तो अगर आप लैपटॉप सेकेंड हैंड लेते हैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एक सेकेंड हैंड लैपटॉप है, अभी देख सकते हैं इसको हम ओपन करवाए हैं, तो दिखने में अजीब न्यू लग रहा है। अगर आप इसका आगे से भी देखें तो देख सकते हैं न्यू लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप न्यू लैपटॉप लेते हैं सबसे पहले तो वो लैपटॉप आपको 55,000 60,000 40,000 50,000 से तो कम में मिलेगा ही नहीं है, और अगर आप 30-40,000 का लैपटॉप लेंगे न्यू में तो वो ज़्यादा काम करेगा नहीं, तो राउंडेड आपको 50 से प्लस ही जाना पड़ेगा, जैसे कि हमने 55,000 में लिया है। तो अब इसमें 2 साल में बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है, हमने इसको 2-3 बार ठीक भी करवाए हैं। तो क्या होता है कि सेकेंड हैंड लैपटॉप तो आपको बहुत कम, लगभग लाइक 15-20,000 के रेंज में भी एक अच्छा लैपटॉप मिल जाता है। तो इतना में क्या होता है कि आप इजीली 2-3-4 साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड है कि आप जगह पे, आपकी जगह पे सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छा सर्विस मिलेगा तो आप ज़्यादा और भी चलेंगे। हम यहीं से, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, ये कटिहार में है DS कॉलेज के बगल में, तो यहाँ से हम 2 लैपटॉप लेके गए जो कि अभी भी यूज हो रहा है, 14-14,000 का हमको लैपटॉप पड़ा था और वो अभी भी यूज हो रहा है। सेम टाइम हमने इस लैपटॉप को लिए थे, देखिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है बट उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो वो अभी भी यूज हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर या जो लैपटॉप चला रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट में पैसा नहीं है, मतलब आपके पास इतना है कि आप एक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे न्यू लैपटॉप, तो ऐसे में आप सेकेंड हैंड लैपटॉप इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो मेरा जो सलाह है, जो सजेशन है कि आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लें। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक रिच मैन हैं, तो आप ये क्यों लेंगे एप्पल, ये HP सबका, आप एप्पल का ले लीजिए तो वो भी चलेगा। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप जरूर एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ही फोकस करें। इसमें क्या होगा ना सेकेंड हैंड में, कि अगर कल के डेट में इसमें कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, तो अगर आ जाएगा तो अगर आप जिस जगह पर हम वीडियो बनाकर यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ पर आपको अच्छा खासा सर्विस मिल जाएगा, तो बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। बट अगर बाय मिस्टेक कल के डेट में आप कहीं और से भी परचेज करते हैं, तो अगर ज़्यादा 2-3 साल चल भी जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत कम रेंज में आप खरीदेंगे। लेकिन अगर आप न्यू लैपटॉप लेके 60-150 में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर आपके माइंड में चलता है कितना इतना पैसा लगेगा कि क्या फायदा है। जितना में आप एक लैपटॉप लेंगे उतना में इसी तरीके सेम ऐसा लैपटॉप लेंगे तो 3 लैपटॉप हो जाएगा। देखिए दोनों का अगर हम आपके पीछे का बैक दिखाएं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, और आगे में भी दिखाएं तो दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हमें एक न्यू लैपटॉप लेते हैं। तो बस मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ते हैं या जो बेसिकली इधर उधर से होते हैं, तो वो लोग कमेंट करके भी पूछते हैं सर हमें न्यू लैपटॉप लेना चाहिए कि ओल्ड लैपटॉप लेना चाहिए सेकेंड हैंड में या फिर न्यू। तो ऐसे में मेरा जो सजेशन है कि आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिए, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो अगर आप उसको अच्छे से चलाएं 1-2 साल तो इजीली वो चल जाता है, नॉर्मली चल जाता है। आजकल तो 25-30 हज़ार में मोबाइल आता है, तो 15-20 हज़ार में एक अच्छा लैपटॉप भी आ जाएगा सेकेंड हैंड में, दिखने में एकदम न्यू ही लगेगा। अगर किसी को नहीं बताते और लैपटॉप लेके जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि इसको पुराना, आप इसको अगर अच्छे से देखिए, इस लैपटॉप को हम बार बार दिखा देखिए कितना दिखने में बेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे ये i5 का है, 256 GB SSD है और 8 GB रैम है और चलता भी बहुत अच्छा, तो इससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज था कि ये मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा था, तो इसको हम यहाँ पे लाए, न्यू लैपटॉप था, जो कि अगर हम इसी लैपटॉप को अगर सर्विसिंग की बात करें तो जो वहाँ से कंपनी से आता तो उसका आने का चार्ज इतना है कि आपको क्या बताएं, हम कॉल भी किए थे बट उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट पहले बताया था, तो इसलिए हम उसको कॉल करना भी भूल गए क्योंकि कंपनी से आ गए तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरा जो मानना है कि आप लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप भी लेके देखें। तो अगर आप कटिहार या पूर्णिया से बिलोंग करते हैं या इसके आसपास से हैं, तो अगर आपको कटिहार में लैपटॉप लेना है तो DS कॉलेज के बगल में उसके अपोजिट साइड में ये जो है कि SM कंप्यूटर शॉप है, सेकेंड हैंड कंप्यूटर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ सेकेंड हैंड कंप्यूटर ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिंटर वगैरह भी मिल जाएंगे, उधर कीबोर्ड माउस मिल जाएंगे, इधर सेकेंड हैंड बहुत सारा चीज मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग एक बजट में लेना चाहते हैं और एक अच्छा सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सर्विस भी मिलेंगे, आप कोई भी चीज प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल करके पूछेंगे, प्लस आके भी देखेंगे। तो सपोर्ट जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है कि आपको सर्विस कितना मिलता है। आप पूर्णिया में, देखिए हम पूर्णिया में भी गए हैं बट वहाँ पे हमको वैसा सर्विस नहीं मिलता जैसा चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लैपटॉप 19-20 हो ही जाता है, बट अगर आप सही जगह पे लेते हैं तो सही जगह पे क्या होता है, सही सर्विस भी मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा सर्विस भी मिलेगा, हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे, ये सेकंड मेरा वीडियो है जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों को भी लेना है एक बजट में लैपटॉप
सेकेंड हैंड में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसका नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और आपको एक रेंज में आपको लैपटॉप लेना है, प्रिंटर लेना है, यहाँ पे एक साइबर कैफे दुकान भी ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारा चीज मिल ही जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जरूर कमेंट में बताएं कि अगर आप लोगों ने भी न्यू लैपटॉप यूज करते होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आया है उसके बारे में बताएं। और अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लिए हैं तो कितना दिन तक चला और क्या उसका आपको एक्सपीरियंस मिला, वो जरूर आप हमारे साथ शेयर करें कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो मेरा एड्रेस है, मेरा शॉप का नाम है एसएम कंप्यूटर और ये डीएस कॉलेज सेकंड गेट के जस्ट अपोजिट साइड में है। बगल में केटीएम शोरूम भी है लैंडमार्क के तौर पर। और आपको मेरे बगल में रोड के बगल में ही एसएम कंप्यूटर का आपको बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। उसको देख करके बिल्डिंग के अंदर आप आ सकते हैं। हम लोग जो है लैपटॉप न्यू वाला न्यू डेस्कटॉप, मेरे पास न्यू डेस्कटॉप अभी 12,000 में भी अवेलेबल है। 12,000 में आपको नया डेस्कटॉप बनाकर मिल जाएगा। मंत्रा मोटो कीबोर्ड जो भी चीज़ चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके लैपटॉप वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। तो बस आप लोग जरूर ले एक बार, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों ने किस चीज़ का कैसा एक्सपीरियंस किया है न्यू और सेकंड हैंड लैपटॉप का, जरूर बताएं। हमने तो सेकंड हैंड न्यू लैपटॉप दोनों का यूज किया है, तो मुझे जहाँ तक ज़्यादा एक्सपीरियंस सेकंड हैंड लैपटॉप का मिला, क्योंकि सेकंड हैंड लैपटॉप अगर खराब भी हो जाएगा तो मेरा उस बजट में है कि मुझे ज़्यादा कोई ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन न्यू लैपटॉप अगर जितना मिलता है उतना में 3 महीना सेकंड हैंड लैपटॉप आ जाएगा, तो आप लोग भी जरूर एक बार सोचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।